ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम बेटा पेपर हुआ था आपका, पेपर में कोई डाउट है क्या? आपका जो पेपर हुआ था उसमें कोई डाउट है क्या आपको? वैसे उसके वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं उनको, बट फिर भी इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क देम। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पूछ सकते, ठीक है? तो आप मुझे कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज अपन फिर है ना आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर ऐसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू दैट पार्ट, है ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं? पेपर कैसा हुआ वैसे आपका? पेपर कैसा था? ठीक था, चलो ठीक है। तो वैसे भी अपन बहुत ज्यादा प्रिपरेशन तो नहीं कर पाए थे, लेकिन अपना पेपर, क्योंकि अभी तो अपन सोच रहे हैं कि अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास भी बढ़ाऊंगा, और मे भी पॉसिबल मैं क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ा दूं, क्योंकि ना अपन को तो क्लास मतलब काफी सारा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना? तो अभी अपन शुरू करते हैं, और क्लास का ड्यूरेशन में भी पॉसिबल ऐसे ना, क्योंकि आफ्टर दिवाली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकिन अपन ना दूसरे बैच के साथ कंबाइन करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनिशियली शुरू से ही शुरू होगा, तो उनको भी शुरू मतलब इनिशियली मतलब अपन शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के पहले आपका केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा हो जाए, ठीक है? चलो मैं शुरू करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल, नहीं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ना था, तो अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लास्ट टाइम अपन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर रहे थे, और अपन ने यह देखा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब फर्स्ट वाला, जैसे अपन ने कहा अपने पास कोई राइट ना एटम, सपोज एनी एटम, तो इलेक्ट्रॉन एडिशन इन एनी एटम, मतलब सपोज करते हैं अपन भाई मेरे पास ऐसे गिवन है फ्लोरीन गिवन, और फ्लोरीन इन गैसियस स्टेट गिवन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इट इज ऑब्वियस सी बात है एफ नेगेटिव बनेगा और एनर्जी लिबरेट होगी, 325 बताया ना मैंने किलो जूल्स। लेकिन अगर अपन कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे ना फ्लोरीन नेगेटिव में, तो सेकेंड स्टेप हमेशा जो होगा वो हाईली एंडोथर्मिक होगा, तो इसमें माइनस जो भी वैल्यू अपन लेंगे तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगा इसमें, तो अपन कहेंगे इसमें जो एनर्जी आएगी दैट विल बी अराउंड 800 किलो जूल्स। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस में है, तो वी विल राइट दैट कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस ही आएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है। वन मोर थिंग, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपन बोलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है ओनली दैट इज द एनर्जी एक्सचेंज व्हेन ओनली वन एटम इज ऐड, एनर्जी एक्सचेंज व्हेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एटम। तो जब भी अगर से अपन अपन से कोई कहेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताओ, तो आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप से बताओगे, सेकंड स्टेप कंसीडर नहीं करोगे, सेकंड स्टेप तो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, तो उसमें क्या बताना है? तो जो भी अपन बताएंगे प्रेडिक्ट करेंगे वो फर्स्ट स्टेप से प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है? अब अपन लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि देखो भाई इन जनरल अपन पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं, और एक पॉइंट भी लिखा था अपन ने रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल कि भाई देखो इन पीरियोडिक टेबल अपन ने लिखा था कि जैसे अपन लिखेंगे दैट इज अगर हम ग्रुप की बात करें, है ना, इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को क्या होना चाहिए? इट डिक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होती है? नॉन मेटल्स की। और टॉप टू बॉटम क्या होता है?
मेटल एक कैरेक्टर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल दैट इज इन अ ग्रुप, इट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। अगर अपन पीरियड की बात करें, इन पीरियड अपन को पता है पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड मेटल होते हैं और राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक तो हमें एक बात पता है, बिकॉज नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड मेटल्स हैव आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो विल से दैट we can write next point, अपन दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज अपन वेरिएशन की बात करें। वेरिएशन, अगर हम वेरिएशन की बात करें, जैसे अपन ने लिखा हुआ है कि भाई नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। वैसे तो आपने वहां भी वही लिखा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, और मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है ना। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये पार्ट अपन को पता होता है, ठीक है। तो अपन वेरिएशन की बात कर सकते हैं। अब अपन क्या कहेंगे वेरिएशंस में, जैसे दूसरा अपन एक पॉइंट ये लिख सकते हैं अपन वेरिएशन में। अब वेरिएशन में भी अपन दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसे जैसे अपन ने कहा था कि भाई अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे, क्योंकि अपन ने स्क्रीनिंग इफेक्ट तो पढ़ा ही हुआ है, जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, अगर न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं ना, और वो ऐड करते हैं ना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि भाई अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रॉन अपन को गिवन है और ये इलेक्ट्रॉन अगर अपन को ऐड करना है, तो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये जेड इफेक्ट जब जितना उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उतना इजिली वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होगा इसके अंदर, तो अपन कहेंगे इसकी अगर जेड इफेक्ट जब ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। फिर उसके बाद अपन कह सकते हैं कि अगर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर वो स्क्रीन हो रहा है इनर इलेक्ट्रॉन से, अगर वो स्क्रीन होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर उसका न्यूक्लियस में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो उसका न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। मतलब अगर स्क्रीनिंग हुआ इस इलेक्ट्रॉन का, अगर स्क्रीनिंग हुआ न्यूक्लियर चार्ज से, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करनी है तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। एक बात पता है, जैसे अपन ने लिखा था अगर अपन क्लोरीन की बात करें, है ना, तो मैं कुछ और भी लिखूंगा ऐसे,
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो विल राइट दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जैसे मैंने क्लोरीन लिखा और फ्लोरीन लिखा, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में डिस्कस करते हैं। अपन क्या करेंगे, क्लोरीन में मुझे पता है कि देयर इज 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक शेल, दो शेल, तीन शेल, इसमें तीन शेल होता है। अपन इलेक्ट्रॉन को लिखा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, तो अपन यहां पर इलेक्ट्रॉन को लिखा और ये इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ठीक है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन 7 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो पता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इसमें ना एक प्रोटॉन है, ये सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर अपन दोनों में चेक करेंगे तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है अपन को, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो इनसे तो रिपल्शन होगा, है ना, क्लोरीन में क्या होगा, इनसे तो रिपल्शन होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का यहां पर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन कोई शेल थोड़ी करता है, अट्रैक्शन या जो इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट होंगे वो थोड़ी अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियस में अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन न्यूक्लियस में होगा तो अपन क्या करेंगे, अपन बताएंगे भाई इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें रिपल्शन हो रहा है, इधर अट्रैक्शन होगा, इधर रिपल्शन होगा, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी यही होगा। हमारे पास क्या गिवन है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में तो अपन कहेंगे भाई फ्लोरीन में चेक कर लेते हैं, अपन तो यहां भी इलेक्ट्रॉन का इसके साथ तो रिपल्शन होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, यहां पर अट्रैक्शन होगा। अब अपन कहेंगे देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी भी एटम की तभी होगी जब उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से, भाई अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों ही काम करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम तभी अज्यूम करेंगे व्हेन अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, सो इसमें अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, इसका अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, इसमें भी अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स है ना, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो दोनों में ही अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन होता है। अब फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि बट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जस्ट बट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सरफेस, जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके सरफेस पे, सो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस, क्योंकि दोनों में यहां पर ये थर्ड शेल है, यहां पर ये सेकेंड शेल है, अगर सेकेंड शेल देखेंगे तो उसका साइज छोटा होगा, थर्ड शेल का साइज बड़ा होगा, तो अगर थर्ड सेल का साइज बड़ा होगा और सेकंड सेल का साइज छोटा होगा, दोनों में ही 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी उसके कंपैरिजन में ऑन द सरफेस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस ऑन सरफेस इज हाई, सो द रिपल्शन of electron and electron is more as compared to chlorine atom due to its less electron density on surface. तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों होगा, बिकॉज इट्स रेडियस विल बी लार्जर एज कंपेयर टू दैट, इसमें छोटा साइज पे हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
राइट ना, चेक करना है 7 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसमें बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है, तो ऑब्वियसली बात है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया इसमें बहुत कम होगा इसके कंपैरिजन में, तो इसमें रिपल्शन भी कम होगा और अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो फिर कहेंगे इसमें और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 7 प्रोटॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 तो इसमें भी है लेकिन इसका साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया ज्यादा होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया कम है, तो फिर लेट्स से दैट इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उससे ज्यादा होगी। सो दैट वाज द रीजन वी से दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज greater than the electron affinity of chlorine is greater than fluorine. Not only that, we used to write like this. हम ऐसे भी लिख सकते हैं। If we write like this, ना? कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ दैट इज क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज दैट इज फास्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन। मतलब ये सभी में, इन सब में होता है, इट इज लाइक दैट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। मतलब ये पीरियड 3 से बिलोंग करता है और ये पीरियड 2 से बिलोंग करता है, और उन सभी नॉन मेटल्स में इट विल बी लाइक दैट, उन सभी नॉन मेटल में इट विल बी लाइक दैट, राइट। सो द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर हम चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट इन द नॉन मेटल्स इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ पीरियड 2। इवन विल राइट दैट कि अगर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो वी कैन रीड लाइक दिस, राइट द डी पॉइंट, डी पॉइंट पे अपन लिखते हैं कुछ ऐसे, राइट फ्यू नोट्स इन दिस, दैट इज योर रिमेंबर दैट पार्ट, दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन, जैसे अपने लिखा ना सल्फर इज ग्रेटर देन दिस, सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम, सेलेनियम इज ग्रेटर देन टेलुरियम, टेलुरियम इज ग्रेटर देन पोलोनियम एंड पोलोनियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। मतलब 16th ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम होता है 16th ग्रुप में। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, इसमें टॉप टू बॉटम मेटालिक स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन सबसे कम होता है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐसे डेल्टा एच कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रॉन गेन इंटर, तो इसका -140 है, ये -200 है, ये -195 है, ये -180 है, 85 है, ये -180 है इलेक्ट्रॉन गेन इंटर। मतलब इस बुक में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, फिर उसके बाद ये और ये, और सबसे कम एनर्जी रिलीज होती है जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उस ग्रुप में सबसे कम है। सो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख सकता हूं, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी -200, ये -195, -180, -190, 180 और -140 किलो जूल्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब वी आर एबल टू टेल दैट कि भाई ये वेरिएशन तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम आ रही बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज स्मॉल साइज होगा ना इसका, ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट साइज होगा इन सब, तो वो रिपल्शन की वजह से ऐसे होगा। But we will not say like this, but
फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। मतलब इधर ऐसे नहीं कर देना कि अच्छा सबसे कम इधर ऑक्सीजन की है इन सब में, तो इन सब में भी सबसे कम फ्लोरीन के लिए बता देते, इधर डिफरेंट है। फिर अपन लिखेंगे ठीक है भाई, मान लेते हैं ऐसे, मतलब ये अपने लिए सेकंड हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट में विल रीड दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ, अगर हम लिथियम और बेरिलियम की बात करें, लिथियम और बेरिलियम की बात करें, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है ये ज्यादा मेटालिक है वो कम मेटालिक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ लिथियम मेटालिक ज्यादा है लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, व्हाट इज सो? तो अपन कहेंगे ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2, तो ये तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहां फिल्ड ऑर्बिटल। अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड होगा तो फुली फिल्ड के कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा उसमें। तो पर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते, राइट? नेक्स्ट वी कैन राइट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ, सपोज अपन को क्यों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और मुझे ऐसे कंपेयर करना है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तब तो अपन क्या करेंगे किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी? ये तो 2s2p2 हो जाएगा, 2s2p3 हो जाएगा, ये 2s2p4 हो जाएगा, और ये 2s2p5 हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये चेक करना है। यस टेल मी, तो अपन कहेंगे देखो ये तो हाफ फिल्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, तो दिस विल हैव मिनिमम बिकॉज़ इट इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, मिनिमम, और बाकी सब में विल राइट दैट फ्लोरीन विल हैव मोर देन ऑक्सीजन, विल हैव मोर देन कार्बन, विल हैव मोर देन नाइट्रोजन, दैट विल बी द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहां कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं होता कि एडजेसेंट में ऐड करना मुश्किल होता है, लाइक दैट नहीं यहां समझ। लेकिन एक बात तो अच्छे से समझ में आ रहा है भाई, सारा कुछ जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में देयर इज नो रेगुलर वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन चेंज हो रहे हैं। मैं सारे वेरिएशन आपको लिख के बता रहा हूं जो अपन से पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए वेरिएशन से ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट अपन ऐसे कर लेते हैं ये सेंटेंस लिख लेता हूं मैं, फोर्थ सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में अपन ने ये सब लिखा। ये फोर्थ सेंटेंस में व्हाट वी कैन राइट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना है जिनके लिए अपन लिखेंगे, अगर उनको इलेक्ट्रॉन देना है तो उनको हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, और वी कैन से दैट द एटम व्हिच डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन, दैट इज डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और नोबल गैसेस हो भी नहीं सकते, व्हाट इज बिकॉज नोबल गैसेस में तो उनके फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होंगे P6, और फुली फिल्ड होगा आप हाफ फिल्ड में उसको बता रहे हो मिनिमम, तो मैं फुली फिल्ड में तो बता दूंगा कि फिर तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। नोबल गैसेस
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स एंड नाइट्रोजन। मैंने नाइट्रोजन के ग्रुप को नहीं बताया, मैंने सिर्फ नाइट्रोजन को बताया। दीज आर द एलिमेंट्स जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है या जिनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं होता है। तो ये अपन याद रख लेंगे। नोबल गैसेस में P6 होता है, इसमें S2 होता है, फुली फिल्ड होता है। नाइट्रोजन में इट इज हाफ फिल्ड। इट इज हाफ बट नाइट्रोजन के अलावा आई हैव नॉट रिटन नाइट्रोजन ग्रुप है, वो ध्यान रखना। मैंने नाइट्रोजन ग्रुप नहीं लिखा बिकॉज फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा, इट इज -31। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है बट नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं होता। तो मैंने यहां पूरा ग्रुप लिखा, 18th ग्रुप। यहां मैंने सेकेंड ग्रुप पूरा लिखा, लेकिन मैंने 15th ग्रुप में से सिर्फ नाइट्रोजन को लिखा, वो ध्यान रखना। That is how we can write the electron. Now we can say that this is about the electron affinity what we require. इसके अलावा अपन को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे बता देंगे अपन, जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और यूनिट की बात करेंगे तो ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी किलो जूल पर मोल या जूल्स और जूल पर मोल और कैलोरीज पर मोल, कैलोरीज पर मोल ये यूनिट। सो यूनिट ऑफ दिस एंड इवन आयनाइजेशन एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जीज दोनों के यूनिट क्या होंगे, There will be joules per mole or calories per mole. और अपन को एक बात पता होता है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23.06 किलो जूल किलो कैलोरीज पर मोल, अगर जरूरत होता है। बिकॉज केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन ना एक एटम वगैरह के लिए नहीं होते, केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशन होंगे वो पर मोल के लिए होते हैं, एक मोल के लिए। तो अपन को पता है इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर। मतलब कभी कभी ऐसे होगा कि हमको एक एटम का आयनाइजेशन, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कितना हाइड्रोजन एटम के लिए, तो अपन जब बोलते हैं ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट शेल का एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल विल बी बाइंडेड बाय द न्यूक्लियस विद दिस एनर्जी, तो उसको आयनाइज करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए एक एटम के लिए। तो बताओ वन मोल के लिए कितना चाहिए, तो अपन कहेंगे ठीक है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम का कितना होता है, इतना। तो अगर वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इतना होता है तो पर मोल के लिए कितना होगा, इतना इससे कैलकुलेट कर देंगे। तो 13.6 कितना होगा किलो जूल पर मोल, वी आर एबल टू राइट, या आपको किलो कैलोरीज में चाहिए तो कन्वर्ट कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज जस्ट अ इंटर कन्वर्जन। ये बात मैंने पहले भी बता रखा है एनर्जीज के लिए। So this is about the electron affinity that we require. Now we can discuss the electron negativity. अब अपन electron negativity की बात कर सकते हैं। Electron affinity में आप ये वाला point ध्यान रखना अच्छे से, that is very important. और थोड़ा सा ये जो point मैंने D वाले point में जो लिखे ना examples, क्योंकि मैंने D वाले point में वो example लिखे हुए हैं जो generally अपन से example पूछते हैं, तो अपन बता दें ठीक है। अब अपन चेक कर सकते हैं, दैट इज इसलिए आपको याद होगा ना मैंने इसका मिनिमम क्यों लिखा था, मिनिमम इसलिए लिखा था क्योंकि आपने इस पॉइंट में बता रखा है कि नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता ही नहीं, मतलब नाइट्रोजन के साथ किसी भी एटम को लिखो मैं मना ही कर दूंगा कि इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं होगा। नेक्स्ट वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन
अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे अपन, तो विल से दैट इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एटम, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एटम, ऑफ एटम टू अट्रैक्ट a shared pair of electron, to attract the shared pair of electron. Pair of electron towards itself, towards itself when it is bonded with other atom in a bond. When it is bonded to the other atom, other atom in a single covalent bond, covalent. In a single covalent bond, ये हो जाएगा. ठीक, वी कैन राइट लाइक दिस, कोई बात नहीं भाई. अब अपन चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में ही अपन डिफरेंस भी चेक करें, मतलब थोड़ा थोड़ा अपन क्या करेंगे, डिफरेंस भी लिखेंगे बिटवीन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो अपन क्या करेंगे, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखता हूँ और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखता था, और इन दोनों में डिफरेंस भी लिखता जाऊंगा. तो भाई मुझे ये भी तो पता रहे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ डेफिनेशन लिख के मुझे एक बात पता चल गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मॉलिक्यूल में ही बताना पड़ेगा. व्हाट इज सो, आपने कहा ना टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन इट इज बॉन्डेड विद द बॉन्डेड टू द अदर एटम इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. विद अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लिखेंगे, विद अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल. मैंने मॉलिक्यूल वर्ड भी यूज कर लिया ताकि अपन को पता रहे कि हमेशा अपन मॉलिक्यूल की बात करेंगे. जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपन ने क्या कहा था भाई, एक सिंगल एटम में जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का, एक सिंगल एटम में जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का टेंडेंसी होगा, द एनर्जी लिबरेटेड ना, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम. तो ये तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम सिंगल एटम में चेक करेंगे, जबकि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मॉलिक्यूल में चेक करेंगे. सो प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, ऑफ एटम. अब ये तो टेंडेंसी है, अगर टेंडेंसी है तो टेंडेंसी को कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज देयर विल बी नो एनर्जी एक्सचेंज. तो अपन ये भी लिख सकते हैं डिफरेंस भाई, अगर अपन से कोई डिफरेंस लिखने के लिए बोलेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लिख देंगे, इसमें यूनिट होंगे क्योंकि ये तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो यूनिट होगा सिंस इट इज अ एनर्जी एक्सचेंज, तो अपन कहेंगे उसमें यूनिट होगा. अब अपन चेक करेंगे कि भाई चलो देखते हैं अपन कि इसमें जो अपन यूनिट वगैरह लिख रहे हैं, अब इसमें एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से और क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं. तो अपन जैसे जैसे अपन को डिफरेंस मिलेंगे अपन वहां लिखते रहेंगे और चेक करते रहेंगे भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ठीक है, तो यहां पर डिस्कस करते हैं. मेरे पास ना अपन दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एच और सी ए और मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एच और एफ, या पहले एफ ले लेते हैं फिर सी ए लेते हैं, पहले से
ऐसे ले लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, देखो भाई, वी नो दैट, यहां पर मैं लिखने वाला हूं, वी नो दैट नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। So, non-metals have tendency to attract electron. अब अपन कहेंगे अगर इन दोनों में से जैसे क्लोरीन क्लोरीन लिखे थे, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आईडी, तो इनमें से सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका किसका होगा, इसका, और मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियसली बात है आईडीन इज नॉन मेटल, लेकिन उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम सभी ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब यहां पर सभी नॉन मेटल है तो अपन ये बोल सकते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। वैसे भी पूरा पीरियोडिक टेबल में 17 नॉन मेटल्स होते हैं, बाकी सारे के सारे मेटल नहीं होते हैं, और देर आर 5-6 मेटल आयंस जो मैंने वो पीरियोडिक टेबल में बताया। तो अपन क्या करेंगे, इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे, अगर इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे, तो वी कैन राइट लाइक दिस कि भाई इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा इसके कंपैरिजन, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है इसमें, सो इसमें ना मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक करेक्ट, दस अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये वाले जो होते हैं ना जिससे बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए अपन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर किया, और अगर उसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो किसी एक एटम की तरफ शिफ्टेड होंगे तो अपन कहेंगे अगर एक एटम की शिफ्टेड तरफ शिफ्ट होंगे तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे Na होता है और Cl होता है, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 281 लिखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इससे इसको दे देता हूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि मेटल है ना, दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन से इसको देता हूं तो मेरे पास आएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा 2-8-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ये बोलते हैं। तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अपन क्या बोलेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर तो नहीं किया, जब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है तो वहां पर अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दीज आर कॉल्ड पार्शियल चार्जेस, दीज आर कॉल्ड पार्शियल चार्जेस, तो डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव आर पार्शियल चार्ज, आर पार्शियल चार्ज क्या होंगे, ये पार्शियल चार्जेस। तो पार्शियल चार्जेस लिखने की जरूरत क्या है, अपन कहेंगे देखो पार्शियल चार्जेस लिखने की ये जरूरत है कि अगर हमसे कोई कहेगा कि बताओ
इस बॉन्ड में पार्शियल चार्जेस का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे अपन। अगर यहां पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, इसका मतलब है इसके पार्शियल चार्जेस का स्ट्रेंथ कम होगा इससे। लेस नॉन मेटेलिक देन एफ, सो हैज लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो स्ट्रेंथ ऑफ, इसमें जो स्ट्रेंथ लिखेंगे ना अपन, तो स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज की बात कर लेता हूं, इज ग्रेटर देन डेल्टा नेगेटिव चार्ज डैश। मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है फ्लोरीन अपनी तरफ। जितना ज्यादा फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उतना ही ज्यादा डेल्टा नेगेटिव आएगा इस पर, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है उससे, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उससे। पीरियोडिक टेबल में देयर इज अ रेगुलर वेरिएशन ऑफ, बहुत परेशान करते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि अपन कहेंगे भाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, मुझे डोर बंद कर, हाँ जी तो मैं बात कर रहा था कि अगर मान लो अपन कहेंगे कि भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ, ज्यादा पुल करेगा तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुल्ड अप होगा उतना ज्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा। इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन कम पुल करेगा तो इसका स्ट्रेंथ भी कम होगा। और एक बात ध्यान रखना भाई, इस बॉन्ड में जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही तो इस पर बनेगा, उतना ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर इंक्रीज होगी, तो अपन कहेंगे जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ही डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी होता है हमेशा। और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल, वहां कोई एक्सेप्शन नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज अ रेगुलर वेरिएशन। टॉप टू बॉटम मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। इसका मतलब मैं वो भी लिख सकता हूं कि यहां पर रेगुलर वेरिएशन पीरियोडिक टेबल इसका, और रेगुलर वेरिएशन इन पीरियडिक टेबल, इसमें रेगुलर वेरिएशन है लेकिन इसमें रेगुलर वेरिएशन नहीं होता है, नो रेगुलर वेरिएशन पीरियडिक टेबल। अपन ने देखा ना कितना सारा एक्सेप्शन आ रहा था इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो एक्सेप्शन से भरा पड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब अपन क्या कहेंगे, ये जो पार्शियल चार्जेस अपियर होते हैं ना डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसी को अपन कहते हैं पोलैरिटी। जितना ज्यादा ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होंगे उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड, राइट। पोलैरिटी का मतलब हो गया कि जब भी दो डिफरेंट एटम्स होंगे उनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा ना, दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो जो ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला एटम होगा, दोनों में से ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला एटम होगा, उस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, मतलब अट्रैक्ट होगी। तो फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला एटम है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और जो अट्रैक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन को वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट। और जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर, लेकिन दोनों ही नॉन मेटल्स होंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है,
उतना ही ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी भी होगी। पोलैरिटी मतलब पार्शियल आयनिक करंट। भाई जब चार्जेस अपियर होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो गया तो आयनिक बॉन्ड बन गया, और इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होगा तो फिर वो पार्शियल आयनिक करंट। तो फिर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी दो सेम एटम में बॉन्ड बनेगा तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सो विल रीड दैट व्हेन देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स, एटम्स टू डिफरेंट एटम, देन देयर इज ऑलवेज देयर इज ऑलवेज पोलैरिटी इन द बॉन्ड, पोलैरिटी इन द बॉन्ड, इन द बॉन्ड। So polarity मतलब delta positive charge and delta negative charge will be present in the bond. Delta positive charge and delta negative charge will be present in the bond. Right? और अपन कहेंगे अगर if there is no, so the bond between the same atom, between same atoms. अगर मान लो मेरे पास ऐसे है bond between the same atom, इसमें H या फिर F इस type से है, तो फिर क्या करें? तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, इसमें भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो फिर तो बॉन्ड किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। अगर बॉन्ड किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा तो अपन कहेंगे दैट विल बी अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। सो द बॉन्ड बिटवीन द सेम एटम आर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। सो इसको एक्सेट्रा लिख लेता हूं मैं, क्योंकि और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। सीएल टू लिख लो, आप सारे एग्जाम्पल लिख लो, हमें क्या करना पड़ेगा? आर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। अब अपन कहेंगे ठीक है, आपने मुझे एक पार्ट तो बता दिया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहां पर पोलैरिटी आएगी। ठीक है, मान लिया मैंने कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो पोलैरिटी आएगी, लेकिन ये कैसे डिसाइड करूंगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम? तो अपन एक काम करते हैं, पीरियोडिक टेबल का रेगुलर वेरिएशन होता है, ये तो आपने लिखा ही है। सो विल राइट दैट पॉइंट वन, अब अपन यहां से लिख लेते हैं। इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी increases from LHS to RHS. Why it is so? Because non-metallic character increases due to non-metallic character, due to increase in non-metallic character, non-metallic character. बट इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। भाई सभी ग्रुप में क्या होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है? सभी ग्रुप में होता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, बॉटम इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। तो अपन कहेंगे ये तो आपने पहले ही बता दिया था मुझे कि वहां पर रेगुलर वेरिएशन है, और मुझे भी पहले से पता था कि नॉन मेटेलिक करेक्टर एलएचएस से आरएचएस की तरफ बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए बिकॉज मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि देखो आपने कहा कि यहां से यहां नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, और होता यही है भाई। पीरियडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? व्हाट इज पीरियडिक प्रॉपर्टीज?
पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक मतलब पीरियोडिकली चेंजेस। अगर कोई भी प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है तो 100% वो यहां से यहां इंक्रीज हो रहा होगा। अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है तो 100% वो वहां से वहां इंक्रीज हो रहा होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है तो 100% वो यहां से यहां डिक्रीज हो रहा होगा। दीज आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज। मतलब अगर मुझे एक तरफ का वेरिएशन पता है तो दूसरी तरफ का ऑटोमेटिकली मुझे पता है। दे आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो LHS टू RHS डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी LHS टू RHS बढ़ता है तो टॉप टू बॉटम कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में प्रॉब्लम यह है कि वहां एक्सेप्शन बहुत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम अगर कम होता है, अगर टॉप टू बॉटम कम होता है क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो LHS से RHS की तरफ बढ़ेगा। लिखा कर पीरियडिक टेबल वेरिएशन। दीज आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज। अपन कहेंगे अगर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम क्या बता सकते हैं? तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होगा। लेकिन एक बार पहले अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ स्केल वगैरह है तो उनको चेक कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे देर आर, मतलब देर आर स्केल्स ऑल्सो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए काफी सारे स्केल्स होते हैं तो अपन कहेंगे देर आर मेनी स्केल्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो अपन स्केल्स की बात कर लेते हैं। भाई देर आर मेनी स्केल्स यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं, लेकिन जो अपन सबसे ज्यादा स्केल यूज करते हैं, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कभी, हमें पूछने वाले भी नहीं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम, वो कभी नहीं अपन से कैलकुलेट करने वाले पूछने वाले, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन हुआ, लेकिन कभी हमसे पूछेंगे नहीं, एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे और अपन को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, देर आर मेनी स्केल्स यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट द पॉलिंग स्केल स्केल इज मोस्टली यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। ही इज कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल एटम्स बाय अज्यूमिंग ऑल एटम्स विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन बाय अज्यूमिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 4। उसने फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैक्सिमम, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसने क्या किया, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 4 ले लेते हैं, बाकी सबको 4 से कम ही आएगा सभी का। तो उसने कैलकुलेट कर लिया भाई द पॉलिंग स्केल, तो अपन लिख लेते हैं सेपरेटली भी पॉलिंग स्केल क्या होता है। तो यहां पर हम इसको हटाते हैं और पॉलिंग स्केल की बात करते हैं, ठीक है ना, अपन पॉलिंग स्केल की बात करेंगे। तो पॉलिंग स्केल होता है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, स्केल ऐसे लिख लेंगे अपन, दैट इज द पॉलिंग स्केल। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी That will be equal to 0.208 under root of delta E.
डेल्टा ई एज पर मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज राइट एक्से इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटमिक एंड एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी इन अ मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी इन अ गिवन मॉलिक्यूल राइट ना. अगर ए बी एम मॉलिक्यूल ले लें इन अ गिवन मॉलिक्यूल ए गिवन मॉलिक्यूल मतलब जो भी अपन ने मॉलिक्यूल एक अज्यूम किया ए बी उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है और उस मॉलिक्यूल में ए एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू 0.208. अब वो फॉर्मूला कैसे आया वो अपन को बिल्कुल नहीं जानना, वैसे भी फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना क्योंकि कभी वो अपने सिलेबस में है भी नहीं वैसे मतलब बहुत ज्यादा. लेकिन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अगर आइडिया होगा तो और भी अच्छा होगा. वेयर डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ, ये बॉन्ड एनर्जी लिख रहा हूं, ऑफ ए बी मॉलिक्यूल. सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं फिर तो फर्क नहीं पड़ेगा. ई ऑफ ए बी मॉलिक्यूल बाद में अपन बता देंगे व्हाट इज ई ए बी मॉलिक्यूल माइनस द एनर्जी ऑफ ए ए मॉलिक्यूल इनटू एनर्जी ऑफ बी बी मॉलिक्यूल टू द पावर ऑफ 1/2. ये वेर ई ए बी इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल मतलब ए और बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल. ई ऑफ ए ए का मतलब हो गया कि अगर मुझे ए ए बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए मॉलिक्यूल और ई बी बी इज The bond energy of B और B atom के बीच में अगर bond होगा तो कैसे बताएंगे. अब इसमें जो होगा ना ये किलो कैलोरीज पर मोल होना चाहिए, मतलब obviously बात है जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपको एनर्जी है तो उसका यूनिट भी होगा और यूनिट होगा तो अपन को बताना होगा कि किस यूनिट में अपन को लेना है. तो अपन को बॉन्ड एनर्जी गिवन है सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर के दाम से. अब सपोज जैसे मैंने अपन को कैलकुलेट करना है जैसे जस्ट आई विल राइट लाइक दिस कि भाई हमें ना एक एग्जांपल ले लेता हूं. जैसे मैंने एक एग्जांपल और मैंने आपसे कहा कि कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन ठीक है. अब इसमें अपन को x किलो जूल जो भी वैल्यू अपन को गिवन हो किलो कैलोरीज पर मोल गिवन है, ये y किलो कैलोरीज हो गया और ये z किलो कैलोरीज हो गया ऐसे अपन को गिवन है. तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई वी नो दैट वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 4. क्या करेंगे अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो पहले अपन डेल्टा ई कैलकुलेट कर लेते हैं. डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई अपने पास ए बी मतलब अपन को लेना है एक्स माइनस ये ए ए मतलब वाई इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1/2. ये अपने पास डेल्टा ई आया एंड विल राइट दैट. अब वहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं देयरफॉर आई विल गेट दैट एक्स ए 4 माइनस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन आटम, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने मॉड में रखा हुआ है। मॉड में लेने का रीजन यही है कि ये वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है, दैट विल बी इक्वल टू 0.208। अब आप इसको लिख दो डेल्टा ई, डेल्टा ई कितना आएगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू जेड टू द पावर ऑफ 1/2, और ये फिर टू द पावर ऑफ 1/2। व्हाट इज सो, बिकॉज ये रूट ऑफ डेल्टा ई है ना, तो ये वैल्यूज अपन को एक्स वाई जेड गिवन है, ये अपन को पता है, ये अपन को पता है, कैलकुलेट करके बता दिया, ये वैल्यूज हमें गिवन होंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। सो वी आर एबल टू राइट दैट कि भाई अपन कैसे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपन को पीरियोडिक टेबल में आइडिया होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में, ये तो कैलकुलेशन है जैसे मैंने आपको बताया था भाई, अपन से कोई पूछने वाला नहीं है कैलकुलेशन कैसे। और अगर दूसरा स्केल चेक करना है अपन को, तो दूसरा स्केल अपन ऐसे बता सकते हैं, सेकंड स्केल, सेकंड स्केल को अपन लिख सकते हैं मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल, सेकंड स्केल कैन बी द मुलिकन स्केल। और मुलिकन स्केल जो होता है ना, उसमें अपन को क्या करना होता है, मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल एटम का, उसमें बॉन्ड वगैरह नहीं चाहिए। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ऐसे लिख लेते अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम विल बी द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, उस एटम का मुझे आयनाइजेशन एनर्जी दे दो आप, उस एटम का मुझे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे दो आप, और डिवाइड कर दूंगा टू से। बट ये दोनों वैल्यूज जो होंगे ना, ये दोनों के दोनों वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए उसके, किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अपन डिवाइड करके बता देंगे, दोनों का ही यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, दैट इज। और यू विल नॉट बिलीव कि मतलब उसमें क्या होता है, जो मुलिकन स्केल पे वैल्यूज आए ना अपने पास, द वैल्यूज ना, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल इज इक्वल टू, मतलब दिस इज ऑन मुलिकन स्केल ना, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन स्केल पे जो वैल्यूज आते हैं ना ऑन द मुलिकन स्केल, दैट इज इक्वल टू 2.8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑन फॉलिंग स्केल। मतलब वेरिएशन बिल्कुल वैसे ही आया पीरियोडिक टेबल में जैसे इससे आ रहा था, लेकिन मुलिकन स्केल क्या है, दैट इज कि भाई इट इज इक्वल टू, मतलब फिर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर मुझे पॉलिंग स्केल गिवन है तो मुलिकन स्केल कैलकुलेट करना है तो 2.8 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली बता दूंगा, कैलकुलेट नहीं करूंगा, और अगर ये दोनों गिवन है तब तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं व्हाट इज मुलिकन स्केल। और अगर ये गिवन है तो 2.8 से डिवाइड करके मैं पॉलिंग स्केल बता दूंगा, मतलब वेरिएशन इज एग्जैक्ट सेम है, दे आर प्रोपोर्शनल, 2.8 इज अ कांस्टेंट, मतलब जितना भी वैल्यूज कैलकुलेट किया, जैसे इसके लिए अपन ने कैलकुलेट किया फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन के लेटेस्ट 4, इसके लिए 2.8 × 4, तो द स्केल्स आर करेक्ट। आई एम नॉट टेलिंग कि कोई स्केल अच्छा है कोई बुरा है, बट द वाइडली यूज स्केल इज पॉलिंग स्केल और पॉलिंग स्केल वैल्यूज। सो जितने भी अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज लिखेंगे ना, वो जनरली अपन पॉलिंग स्केल पे ही लिखते हैं, तो यही वैल्यूज अपन याद रखते हैं और यही अपन यूज करेंगे मैक्सिमम। तो पॉलिंग स्केल पे जैसे अपन एक पीरियडिक इन अ पीरियडिक टेबल अपन को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है याद रखने की, बट कुछ एक वैल्यूज ऐसे होंगे अगर हमें पता होंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, अगर वो वैल्यूज हमें पता है तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे अपन कहेंगे भाई फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरॉन है, लाइक दैट वी कैन राइट क्लोरीन,
ब्रोमीन आईडीन सल्फर विल राइट दैट दैट इज राइट ना सेलेनियम टेलरियम फास्फोरस आर्सेनिक लाइक दैट वी गेट राइट एंटीमनी बिस्मथ कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम दैट इज राइट ना जर्मेनियम एंड टिन और बोरोन के बाद एल्युमिनियम वी कैन राइट लाइक दिस दैट इज इंडियम एंड गैलियम इंडियम एंड थैलियम तो ऐसे अपन क्या करेंगे अपन को पता है दीज आर मेटलाइट्स ये तो मेटलाइट्स है मेटलाइट्स दीज आर मेटलाइट्स क्या होता है मेटलाइट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज ये जो होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं मेटलाइट के उधर नॉन मेटल है इधर मेटल्स इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने बताया 4.0 दिस इज 3 दिस इज 3 दिस इज 3.5 दिस इज 4 है पर वो दूर देखेगा तो अच्छा लगेगा ना ये 3.5 ये 3 क्लोरीन का और नाइट्रोजन का एग्जैक्टली सेम होता है Phosphorus is 2.1. Hydrogen is the most electropositive non-metal. Hydrogen. 2.1. Hydrogen or phosphorus. बिल्कुल एक जैसे होते हैं. This is 2.8. This 1 point that is, we'll write that it is 2.2. This is 2.4. This is 2.1. This is 2. You can write that metalloids have electronegativity value of metalloids is nearly 2. डेसिमल के प्लेस को छोड़ देते हैं नियरली टू अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 के आसपास है मतलब 2 अगर है तो इट इज मेटलाइट 2 से ज्यादा है नॉन मेटल 2 से कम है मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज क्लोरीन और नाइट्रोजन एग्जैक्टली सेम होता है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उनमें मोर नॉन मेटलिक कैरेक्टर So, we'll read that this is the variation in the electronegativity. मैंने बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लिखा कि अगर अपन बहुत ज्यादा लिख लेंगे तो फिर जो मेन पार्ट है ना हमारा ये वाला पार्ट अपना मिस हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिखना चाहता उसको मुझे ये वैल्यूज चाहिए ये 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 और ये इधर वाले वैल्यूज सल्फर भी नहीं चाहिए अगर दो एटम के बीच में अपन बॉन्ड बनाएंगे ना तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा बॉन्ड में बॉन्ड्स आर पार्शियली आयनिक आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज पोलैरिटी तो बॉन्ड पार्शियली आयनिक होते हैं नो डाउट बट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होगा मतलब इट विल हैव आयनिक कैरेक्टर ये दोनों तो पेयर कोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज हाउ वी कैन राइट अब अपन कुछ जैसे मैंने आपसे कहा पॉइंट्स लिख लेते हैं Variation is regular, so there is no need to write what will happen, what is the variation in the, of electronegativity in the periodic table. उसमें अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं. There is a regular variation. We'll write that. Point one लिखते हैं अपन ऐसे. Points we are going to discuss now. Higher the difference in electronegativity. Higher the difference in electronegativity.
इन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन अ बॉन्ड मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड कैरेक्टर इन बॉन्ड्स मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा नो डाउट वी नो दैट बॉन्ड्स आर कोवेलेंट इन नेचर बट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा तो इफ आई राइट लाइक दिस ना HCl इसका आयनिक कैरेक्टर HF का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा HCl से इफ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस A माइनस XB इज इक्वल टू 1.7 अगर ये है तो अपन क्या बोलते हैं then bond is 50% covalent and 50% ionic 50% covalent and 50% ionic मतलब बॉन्ड में 50% कोवेलेंट कैरेक्टर है और 50% आयनिक कैरेक्टर है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 ऑब्वियसली बात अगर इससे ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा देन बॉन्ड इज मोर आयनिक देन बॉन्ड इज मोर आयनिक ऑब्वियसली बात है 50% से ज्यादा हो जाएगा मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर आता जाएगा एंड इफ इट इज XA माइनस XB इज लेस देन 1.7 बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट तब ये ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा एक पॉइंट दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है ना जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन ने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन सो है ना एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी आर नॉन मेटल्स सो दे आर गुड ऑक्सीडाइज तो अपन कहेंगे ये बात तो मुझे पहले से पता है भाई मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा होती है सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है दैट्स व्हाई दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मेटल्स व्हिच हैज लो Electronegativity are good reducing. तो अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देर इज अ रेगुलर वेरिएशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देर इज नो रेगुलर वेरिएशन बता सकते हैं कि भाई नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं दे आर गुड प्रोड्यूसिंग एजेंट सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की भी बात कर सकते हैं
विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी. ठीक है ना. फिर अपन ऐसे भी बता सकते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, ऑफ ऑक्साइड. आयनिक ऑक्साइड्स आर मोर बेसिक, आर मोर बेसिक. बेसिक दस वी कैन से दैट, कैन से दैट. Higher the electronegativity difference between the metal and oxygen, more is the basic character. क्योंकि जितना ज्यादा electronegativity difference होगा उतना ज्यादा ionic character होगा उसमें. Say that higher the electronegativity difference between the metal and oxygen more is the ionic character in oxide. अगर ionic character ज्यादा oxide में तो basic character भी ज्यादा होगा. So they are more basic, you know that they will be more basic. So we can write that there will be more basic. So ionic character thus more basic oxide. So we can say that metal oxides are more basic than non-metal oxides. क्योंकि non-metal oxide में electronegativity difference नहीं होगा ना. Then non-metal oxides, we can say like that. Therefore, example ले लेते हैं. Na2O ज़्यादा basic होगा MgO से, ज़्यादा basic होगा Al2O3 से, और ये ज़्यादा basic होगा, we can write that SiO2. Non-metallic oxide. ये metallic oxide है, ये non-metallic oxide हो जाएगा. Metalloid हो गया तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं. लो भाई, ये तो non-metal oxide है ना. Non-metal oxide, और ये metal oxides. ये तो metal oxides हैं और non-metal oxides हैं. तो जितना ज्यादा metallic character होगा oxygen तो सभी में वही होगा, oxygen का electronegativity तो same होगा, लेकिन जितना ज्यादा non-metallic character होगा, जितना ज्यादा metallic character होगा उतना ज्यादा electronegativity का difference भी होगा, और electronegativity का difference होगा तो बेसिक करेक्टर ज्यादा. दैट इज ऑल वी कैन राइट. ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, एंड दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपको पता होना चाहिए. यस ठीक है. तो वी गॉट द डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है. ये मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटम के लिए पड़ता है, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए. इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज़ इट इज अ टेंडेंसी, उसका यूनिट होगा. इसमें रेगुलर वेरिएशन होता है, उसमें रेगुलर वेरिएशन नहीं होता. वी कैन राइट दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट वी रिक्वायर. अब पीरियोडिक टेबल में कुछ थोड़ा सा पार्ट और पढ़ेंगे, दैट इज some variation in some important properties in the periodic table. So we'll read that variation of some important properties in the periodic table. Variation of some periodic properties. Properties. ठीक है ना. कुछ और पीरियडिक प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ते हैं, फिर वेरिएशन पढ़ेंगे. तो चलो देखते हैं कुछ और पीरियडिक टेबल में और कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. अभी व्हाट वी कैन से दैट, जैसे अपन बात करेंगे
मान लो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स तो फिर कहेंगे देखो भाई डेंसिटी ऑफ एलिमेंट तो ठीक है बट मेटल और नॉन मेटल को कैसे कंपेयर करोगे? बट डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वी नो दैट। तो अपन कहेंगे भाई लिथियम ग्रुप होगा अपने पास, लिथियम होगा, सोडियम होगा लाइक दैट, फिर बेरिलियम, देन मैग्नीशियम लाइक दैट वी कैन हैव। उसके बाद देयर विल बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल पर ना लिखा हुआ है, देयर विल बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद विल से दैट वहां पर नॉन मेटल्स होंगे, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, वी नो दैट यहां पर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यूज्ड, राइट, दैट फ्लोरीन और नियॉन, ये नॉन मेटल्स, ठीक है, ये नॉन मेटल अपने पास। तो डेंसिटी कैसे बताएंगे? तो अपन कहेंगे जब मेटल्स होंगे ना इनका डेंसिटी तो दे आर हाईली डेंस, और वेरिएशन ऑब्वियसली बात है, अरे जब मेटेलिक कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी, यहां पर इसका डेंसिटी अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए अपन को पूरा एक ट्रांजिशन एलिमेंट करके चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बस अपन ये लिख लेते हैं ये इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी इससे और इससे, मोर डेंसिटी then S and P block, अपन सबको पता है ये S block है और ये P block elements। अब पूरे periodic table फिर नहीं लिखने की जरूरत है ना, कोई variation है तो आप बताओ। अगर हम यहां पर चेक करेंगे ना तो top to bottom mass भी बढ़ेगा और volume भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, भाई साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा टॉप टू बॉटम, तो मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यहां भी मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बट अगर अपन चेक करें दोनों में से तो टॉप टू बॉटम मास में जो इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है वॉल्यूम के कंपेरिजन, टॉप टू बॉटम द इंक्रीज इन मास इज मोर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर मास ज्यादा इंक्रीज होगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए, भाई ये ज्यादा बढ़ रहा है ये कम बढ़ रहा है, देयरफॉर डेंसिटी increases from top to bottom. Top to bottom density increase होगी। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई top to bottom में तो in all in the groups, अपने groups की बात, अब पीरियड की बात करते हैं। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो यहां 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 और यहां ये तो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल का डेंसिटी कम होता है मेटल से, नॉन मेटल का डेंसिटी कम होता है मेटल से। तो अपन क्या करेंगे इन अ पीरियड अगर हम डेंसिटी की बात करें, जैसे सपोज इन ऑल पीरियड इट विल बी लाइक दैट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो अपन ऐसे बात कर लेते हैं,
यहां से यहां तक तो इंक्रीज होगा डेंसिटी, और उसके बाद यहां से यहां डिक्रीज होता है। देन इट डिक्रीजेस। मतलब ऐसे ग्राफ आता होगा, पहले बढ़ता होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद फिर अपन ऐसे कर, दिस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ऐसे कर। ऐसा क्यों? तो अपन कहेंगे देखो, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, तो इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग भी बढ़ती है, इनके आपस में एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ता है। वैसे भी अपन को पता है, अगर कोई नहीं भी बता देगा, डायमंड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डायमंड का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर उनसे कोई पूछता भी कि भाई इनमें सब में से डेंसिटी बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन, तो डायमंड के फॉर्म में होगा। अगर कार्बन डायमंड के फॉर्म में होगा तो उसकी डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होगी, मतलब कार्बन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इन सब में सबसे ज्यादा डेंसिटी कार्बन की है, बिकॉज डायमंड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो पर कहेंगे नहीं, मैं तो ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप एलोट्रोपी की भी बात कर रहे हो, एलोट्रोपी मतलब तो बन गए कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर। दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। जैसे डायमंड होता है वो टेट्राडल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज एलोट्रोपी। ठीक है, तो डायमंड के फॉर्म में होगा अगर कार्बन, तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, इट विल बी अराउंड 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर रखेंगे ये तो बहुत ज्यादा है। तो हमेशा क्या होगा ना, ये इंक्रीज होगा 14th ग्रुप तक, और फिर उसके बाद डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा 14th ग्रुप तक, फिर डिक्रीज होगा, सभी पीरियड में ऐसे ही होगा। तो वेरिएशन इन द ऑल द पीरियड्स विल बी लाइक दिस, इट विल इंक्रीज अप टू 14th ग्रुप, एंड देन इट विल, ये 1 2 इसको लिख लेते हैं, थर्ड 4 5 6 इनको बी ग्रुप को छोड़ देते हैं, ये बी ग्रुप है, तो वी नो दैट कि कैसे इंक्रीज होगा। बट टॉप टू बॉटम सभी में इट इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज द इंक्रीज इन मास इज मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये थोड़ा सा डेंसिटी में अपन ने वेरिएशन चेक किया। ठीक है, अब अगर हम चेक करें मेल्टिंग पॉइंट्स, ये दूसरा प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के लिए दूसरा प्रॉपर्टी कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में अपन क्या कहेंगे भाई, इसमें अगर अपन चेक करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो अपन कहेंगे देखो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए ना, डेंसिटी बढ़ेगी तो पैकिंग बढ़ेगी, और पैकिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। For solids must be proportional to density. अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मैंने डेंसिटी के बारे में आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही आपको बता दें तो फिर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा डेंसिटी के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां अपन को डेंसिटी के बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब अपन डिस्कस कर सकते हैं हाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है ना। अपन मेल्टिंग डेंसिटी डिस्कस किया तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गया ना, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑस्मियम का होता है, डेंसिटी ऑस्मियम का होता है, इट इज अराउंड 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सॉलिड्स, इट्स अ सॉलिड। और लिक्विड्स में मरकरी का होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर। लिक्विड्स में सबसे ज्यादा मरकरी का होता है। डेंसिटी लिख रहे थे तो अपन उसको लिख लिया। थर्ड पॉइंट अपन हाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो मेटल हाइड्राइड और नॉन मेटल हाइड्राइड दोनों में अलग अलग पार्ट आएगा। अगर हम मेटल हाइड्राइड्स की बात करें तो फिर मैं ऐसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्यों? हाइड्रोजन तो सेम है भाई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड है ना, कैल्शियम हाइड्राइड, देन वी रीड स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो आयनिक कैरेक्टर होगा दैट विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो एरोस वगैरह अपन ऐसे लिख लेते हैं, वो थोड़ा सा अपन वर्ड को कम करने के लिए अपन ऐसे लिख लेते हैं, बट यू नो दैट वो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए मैं एरो यूज करता हूं। सो द मेल्टिंग पॉइंट, the basic character also increases, character, क्योंकि अगर जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो बेस ज्यादा होगा। अपन बात करेंगे नॉन मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है भाई। नॉन मेटल हाइड्राइड की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल हाइड्राइड्स में क्या होगा? दे आर लाइक दिस, नॉन मेटल हाइड्राइड्स। तो नॉन मेटल हाइड्राइड्स में वेरी दैट जैसे BH3 है, AlH3 है, राइट? वेरी दैट GH3 हो गया, TLH3 हो गया, INH3 हो गया और TLH3 हो गया, थैलियम हाइड्राइड।
we can write that CH4 NH3 H2O और noble gases तो कुछ बनाएंगे नहीं. सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये बनेंगे वैसे ये बनेंगे, टिन हाइड्राइड एंड लेड हाइड, राइट, जैसे ये बना वैसे ये बनेंगे ट्राइहाइड्राइड जैसे, है ना. जैसे ये बनेंगे वैसे ये बनेंगे. ये हाइड्राइड्स, अभी इन हाइड्राइड्स में दीज आर नॉन मेटल हाइड्राइड्स है, ये नॉन मेटल हाइड्राइड्स है, नॉन मेटल हाइड्राइड्स. हाइड्राइड हैव कोवेलेंट बॉन्ड, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, मैं तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्डों का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली बात है अपन कहेंगे इसमें हाइड्राइड ऐसे लिखेंगे. तो अगर अपन को बॉन्ड एनर्जीज लिखनी है, उनको एसिडिक कैरेक्टर लिखना है, दे आर बेसिकली अपन को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये तीनों ही प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बाकी अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज में अपन को और भी कुछ चाहिए, और भी टर्म्स चाहिए जो अपन ने नहीं पढ़े, तो अभी अपन इतना ही बात करते हैं. बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर अपने पास ऐसे ये एचएफ भी लिख लेते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगा तो बॉन्ड एनर्जी इज, अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, जो बॉन्ड छोटा होता है उसको बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है, मुश्किल होता है. जैसे मेरे पास ये छोटा बॉन्ड हो गया, इसको ना मुझे चीज मेरे पास ऐसे है ना, और इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक हो जाएगा जल्दी. अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है. इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होगी. मतलब टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी कम होगी बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. Decreases from top to bottom. Because bond length increases. Because bond length increases. तो जब bond energy कम होगी, bond energy अगर कम होगी तो bond length बड़ा होगा. Obvious ही बात है. टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन तो वही है, साइज ऑफ अदर एटम इंक्रीजेस ना, अगर वो इंक्रीज होंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, इसको वैसे बता देंगे. अभी अगर अपन एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे, तो एसिडिक कैरेक्टर अगर मेरे पास HF गिवन है, HCl गिवन है, और HBr गिवन है, एंड HI गिवन है, तो अपन कहेंगे इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे जो हमें प्रोटॉन जल्दी दे देगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. इन सब में सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी है, इसकी. ये मुझे प्रोटॉन सबसे इजीली दे सकता है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है ना, तो ये सबसे ज्यादा, ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे. एसिडिक कैरेक्टर इन ऑल केस इंक्रीजेस from top to bottom since bond energy decreases.
बॉन्ड एनर्जी जितना कम होगा हाइड्राइड्स में उतना ज्यादा उसका हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी होगा, और अगर हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी होगा तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज जो जितना इजिली हाइड्रोजन दे देगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें सबसे इजिली तो यही देगा, अगर मैं ग्रुप में चेक करूंगा तो सबसे ज्यादा इजिली यही हाइड्रोजन देगा, बिकॉज उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, मतलब जो एसिडिक ज्यादा होता है उसका हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी, बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम है उसकी हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छा होता है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बिकॉज हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी इंक्रीजेस। From top to bottom, because tendency to give hydrogen increases, since tendency to give H atom increases. So, जो hydrogen atom easily donate कर सकता है दूसरे को, तो उसका reducing property भी ज्यादा होगा। Hydrogen donate कर सकते हैं जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, तो मेरे ख्याल से वी गॉट इट कि भाई बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी अपन लिखना है तो लिखो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम बिकॉज साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, because size of atom increases, atom increases, अगर atom का size बढ़ेगा तो hydrogen के साथ internuclear distance बढ़ेगा, internuclear distance बढ़ेगा तो bond length बढ़ेगा, और bond length बढ़ेगा तो bond energy कम होगा, पर ऐसे भी लिख सकते हैं bond energy inversely proportional to bond length। अगर किसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम, अपन ऐसे बता सकते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ से कोरिलेट करके। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन राइट इज, इसमें एक और प्रॉपर्टी, ये हाइड्राइड्स वाले पार्ट को अच्छे से ध्यान रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं एक और प्रॉपर्टी लिखूंगा जैसे हाइड्राइड्स लिखे पर, दैट इज ऑक्साइड्स। ऐसे ही अपन एक ऑक्साइड को भी डिस्कस करेंगे, और दोनों ही प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो 100% आएंगे इस पार्ट से, एक या दो क्वेश्चन हाइड्राइड से और एक या दो क्वेश्चन ऑक्साइड से, मतलब दोनों में आप 2 to 4 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 से, मेंस में भी एडवांस में, इसलिए इतना सारा डिस्कशन कर रहा हूं। कुछ और टर्म्स अपन पढ़ेंगे इसमें ऐड करेंगे, जैसे अपन ये पढ़े 1 2 3 4, वैसे कुछ और ऐड करेंगे, लेकिन अभी अपन ने वो टर्म्स पढ़े नहीं इसलिए अपन उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन जब वो पढ़ लेंगे तो उनको इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर ये पॉइंट आपसे पूछूंगा वहां पर, क्योंकि मैंने बता रखे। अब अपन ऑक्साइड्स की बात करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, ये तो हमेशा याद रखना है अपन को, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वो तो हमेशा पता होना चाहिए अपन को, उसमें अपन कभी कोई गलती नहीं करें। तो ऑक्साइड्स में वी कैन राइट दैट नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स, अगर अपन लिखे बेसिक स्ट्रेंथ,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट. अब अपन को दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट. ऑफ ऑक्साइड्स, अपन ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अपन ऑक्साइड्स तो लिख ही रहे, उसकी जरूरत नहीं अपन को बताने की. अब आपने कहा मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स ना, तो अपन कहेंगे ठीक है इन अ ग्रुप और पीरियड पीरियड की बात कर लेते हैं. इन अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस. So, basic character decreases. Character decreases. Or, group mein, in a group, metallic character increases from top to bottom. Metallic character increases from top to bottom. Kya hoga? Increases from top to bottom. Top to bottom. So, basic character increases. Agar metallic character increase hoga, toh basic character increase hoga. तब तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वहां पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और यहां पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम. सो अगर हमें मेटालिक कैरेक्टर पता है पीरियोडिक टेबल में तो अपन बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ इजीली बता सकते हैं. तो अपन ऐसे कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. Na2MgO Al2O3. अब वो चार्ज के हिसाब से ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी होता है. SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7. अब इनको पता है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये तो बेस है. अगर बेस से एसिड में कन्वर्ट हो गए तो एम्फोटेरिक भी आना चाहिए फिर, जिसमें ना एसिडिक कैरेक्टर ना बेसिक कैरेक्टर. बेसिक ये तो नॉन मेटल है, एम्फोटेरिक हाँ एसिडिक, तो फिर इसको एम्फोटेरिक बोलना चाहिए अपन को. भाई जब आप बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे किसी को इन पीरियड, तो बीच में कोई एम्फोटेरिक होना चाहिए ना, जो ना तो बेसिक हो और ना ही एसिडिक हो. बिल्कुल आएगा, सभी ग्रुप में आएगा, सभी पीरियड में आएगा. और अगर अपन चेक करेंगे जैसे अपन ने लिखा LiO2 Na2 K2 Rb2 और CS2, बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Because metallic character increases top to bottom. वो क्यों लिखा तो metallic character increases. So किसी भी period में we are able to tell that कि किसी भी period में अगर हमको given है तो we can say that so metallic character क्या होगा और non-metallic character क्या होगा. तो अगर मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए कि कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं तो मुझे थोड़ा आइडिया और मिल जाएगा कि भाई किस पीरियड में, जैसे मुझे पता चल गया टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स.
एक हो गया सिंपल ऑक्साइड्स। तो अपन ने लिखा भाई ठीक है, सिंपल ऑक्साइड्स में अपन ने लिखा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, राइट दैट, जिंक ऑक्साइड हो गया, राइट, वी कैन राइट दैट, ये भी ऑक्साइड हो गया, ये भी ऑक्साइड हो गया, दे आर सिंपल ऑक्साइड्स, मतलब ऑक्सीजन हैज माइनस टू चार्ज, दे आर कॉल्ड सिंपल ऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स, तो ठीक है, वी नो दैट व्हाट आर परऑक्साइड्स, परऑक्साइड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज होता है। तो आई विल राइट, यहां पर मैं एक और चीज लिखूंगा, ये भी मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि इसमें अपन सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए मैंने वो जानबूझ के लिखा वहां पर। परऑक्साइड में विल राइट दैट Na2O2, K2O2, BaO2, SrO2, ये परऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन का माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अपन कहेंगे वो परऑक्साइड्स। फिर अपन ने CrO5 वगैरह और भी लिखे जिनमें परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, सुपरऑक्साइड्स। सुपरऑक्साइड के O2, RbO2, CsO2, जनरली यही होते हैं सुपरऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज होता है, माइनस वन ऑक्सीडेशन, माइनस वन बाई टू है, माइनस वन बाई टू ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें माइनस वन। सिंपल ऑक्साइड्स, वी नो दैट ऑल दीज आर यू रिटन एज सिंपल ऑक्साइड्स, द परऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो अपन कहेंगे भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में ये तो आपने दिखाई रखा, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, पीबीओ टू, एस एन ओ टू, एक्सेट्रा लिखा हुआ। मैंने मतलब मैक्सिमम वो लिखे हैं जो अपन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बाद में अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको और भी बताऊंगा, क्योंकि और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ्रेंड्स अपन राइट ना 11th क्लास में थोड़ा ही पढ़ना है, अपन को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है अभी, तो अपन उसको मैं उतना ही बता रहा हूं। फिर जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं तो मिक्स्ड ऑक्साइड भी होते हैं, तो मिक्स्ड ऑक्साइड अपन मिक्स्ड ऑक्साइड लिखेंगे ना, तो विल राइट लाइक दिस। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है जैसे Fe3O4, Mn3O4, Pb3O4, दीज आर फ्यू मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब होता है जैसे अपन ने लिखा ना, अपन ने लिखा Fe3O4, दिस इज ऑक्साइड मिक्सचर ऑफ Fe प्लस Fe2O3, इन दोनों को मिक्स करो तो विल गेट दिस, दैट्स व्हाई अपन उनको कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। जब भी किसी ऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन आए, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन आता है तो अपन कहेंगे वो मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है, तो अपन ऐसे मिक्स्ड ऑक्साइड बता सकते हैं। मोस्टली जो अपन से क्वेश्चन पूछेंगे वो इस टाइप से पूछेंगे, We got that, कि भाई कैसे अपन को ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताना है पीरियोडिक टेबल में, we know that. एक एग्जांपल लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। तो अपन ऑक्साइड्स के कुछ मैं कंपाउंड देता हूं, उसमें अपन ऑक्साइड के
एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर लेंगे। CO2 है मेरे पास, Al2O3 है मेरे पास, SiO2 है मेरे पास, P2O5 है मेरे पास, M2O5 है, Cl2O7 है और SO3 है। ऐसे एक और लिख लेते हैं B2O3, ये लिख लेते हैं। इनको अरेंज करके बताना है अपन को कि व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। अपन क्या करेंगे, ये अपने पास ऑक्साइड है, सबसे पहले अपन चेक करेंगे, जैसे अपन ने एक ग्रुप में लिखा था तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बता दिया ऐसे कि भाई B2O3 है, Al2O3 है ना, Ga2O3 होगा, Al2O3 होगा और Tl2O3 होगा, आपने यहां भी लिखा था टॉप टू बॉटम ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये आपने मुझे एम्फोटेट बताया, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक है, तो फिर बाकी तीन बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना टॉप टू बॉटम, मेटल्स में आपने लिखा ना हर एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो जब आपने बताया मुझे कि Al2O3 पहले भी बताया, अभी बता रहे हो कि एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया तो इसके ऊपर वाले एसिडिक, नीचे वाले बेसिक होंगे, क्यों बेसिक होंगे, क्योंकि एम्फोटेरिक है, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब के सब इसके राइट हैंड साइड में, मतलब एसिडिक ऑक्साइड है, सो लीस्ट तो ये हो गया क्योंकि वो एम्फोटेरिक है, बाकी सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स। चलो देखते हैं अपन ऐसे, अब मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखूंगा, पहले मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि काफी सारे हो गए ना, दो तीन देने थे बस, अब काफी सारे लिखे हैं तो कोई बात नहीं, चलो कर देते हैं। तो अपन कहेंगे देखो आपने बोरोन भी दिया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिया आपने, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम भी दिया आपने और फिर सिलिकॉन भी दिया, फॉस्फोरस भी दिया, सल्फर भी दिया, क्लोरीन भी दिया, मेरे ख्याल से यही दिया। जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पोजिशन पे होगा ना उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि आपने लिखा है कि LHS से RHS की तरफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर मोस्ट एसिडिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक Cl2O7 है। ये लो सबसे ज्यादा हो। अब अपने पास इन चारों में ये और ये ही गिवन है बस, तो उसके बाद फिर SO2 लिख लो, SO3 लिख लो आप, ये लो भाई लिख दिया मैंने, बिकॉज जैसे जैसे मैं इस तरफ आऊंगा एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, जैसे जैसे मैं पीरियडिक टेबल में इस तरफ आऊंगा LHS की तरफ तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यहां नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा अपन कहेंगे, क्योंकि सारे नॉन मेटल्स लिख रखे हैं। अब अपन यहां, अब मुझे ना इन दोनों में से डिसाइड करना है, क्योंकि ये तो हो गया डिसाइड, इन दोनों में से मुझे आपने बताया कि टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, इसका मतलब मुझे N2O5 लिखना चाहिए, तो N2O5 होगा फिर P2O5 होगा, मतलब एक ही ग्रुप में पहले जो ऊपर एलिमेंट है उसका एसिडिक कैरेक्टर फिर नीचे वाले का, क्योंकि नीचे वाले में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम कम होता है इन ए ग्रुप। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप CO2 लिखोगे फिर SiO2 लिखोगे, फिर इन दोनों में चेक कर लेता हूं, उसके बाद आप B2O3 लिखोगे, और लास्ट में आपने पहले ही बता दिया था
Al2O3 लिखना है, मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, दे आर एसिडिक इन नेचर। दिस इज अबाउट द ऑक्साइड्स एंड दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। अब ये बताओ आपके पास शीट है ना, केमिकल बॉन्डिंग का शीट सभी के पास, नो सर केमिकल बॉन्डिंग का शीट नहीं है, क्यों शीट मिला नहीं तुमको? ठीक है मैं अपने ग्रुप में एक शीट भेज देता हूं, तो आप एक्सरसाइज वन के सेक्शन ए बी सी, अच्छा एस ब्लॉक एलिमेंट का मिल गया था, ठीक है कोई बात नहीं, तो अपन होमवर्क लिख लेते हैं एक्सरसाइज वन से पार्ट वन पार्ट टू सेक्शन ए बी सी ए बी सी एंड डी दोनों सेक्शन से करना है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, बिल्कुल सिर्फ कंसेप्चुअली जो मैंने आपको बताया उसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, तो आप उसी के बेसिस पे सॉल्व कर दो, ये आपका होमवर्क है, आप इस होमवर्क को सॉल्व करो। ठीक है सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस, कल आपका क्लास है तो इतना हो सकता है, ये बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक बार डिस्कस करके देखो, ठीक है ना, चलो कल डिस्कस करते हैं, मैं आपको शीट भेजता हूँ, ठीक है थैंक यू सर।